प्राइमरी फंक्शन जो है वो अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड सो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स का पूरा पार्ट हमने पिछले वीडियो में स्टडी कर लिया है लेंडिंग फंड्स का भी टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने लोन्स का पूरा पार्ट ऑलरेडी कवरअप कर लिया है सो so इस वीडियो में हम एडवांस यहां से ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं लेट्स वट आर एडवांस और एडवांस इज एडवाज क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू इट्स कस्टमर इट डिफर्स फ्रॉम लोन इन द सेंस दैट लोन में बी ग्रांटेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड बट एडवांसेस आर नॉर्मली गिवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड सो एडवांसेस क्या है ये एक क्रेडिट फैसिलिटी है जो कि बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती हैं ऑफर करती हैं अब क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब हम लोन बोल सकते हैं और राइट right, तो एडवांसेस भी एक टाइप का लोन है बट लोन से थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज लोन्स जो होते हैं वो लंबे समय के लिए होता है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर हमें पैसे चाहिए होगा तो हम बैंक से जाकर लोन के लिए अप्लाई करते हैं और राइट बट अगर छोटे समय के लिए हमें पैसे चाहिए मतलब कम समय के लिए अगर हमें पैसे चाहिए होंगे तो एडवांसेस के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं और राइट right, तो लोन्स जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है और एडवांसेस जो होता है वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है

ये सारी जो चीजें हैं उसको पूरा करना है तो उसके लिए पैसे चाहिए होंगे तो उसके लिए हम एडवांसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और राइट इंटरेस्ट इज चार्ज ओनली ऑन द अमाउंट विड ड्रॉन एंड नॉट ऑन द अमाउंट सेंशन और इसका जो इंटरेस्ट होता है यूजली जितना पैसा हमने बैंक से निकाला है सिर्फ उतने ही पैसों के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है पूरे के पूरे अमाउंट पे नहीं और राइट दैट इज अगर फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर ने बैंक में जाके बोला कि उसे एडवांसेस चाहिए फॉर से फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का तो फिफ्टी थाउजेंड रुपीज बैंक जो है, वो के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगी और राइट तो ये एक टाइप का लोन है जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और अगर किसी कस्टमर ने वो फिफ्टी थाउजेंड में से सिर्फ टेन थाउजेंड रुपीज ही विद्रॉ किए हैं तो इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ टेन थाउजेंड के ऊपर लगेगा पूरे फिफ्टी थाउजेंड के ऊपर नहीं लगेगा और राइट ये एडवांस लेट्स ऑफ एडवांसेस अब एडवांसेस के भी यहाँ पे टाइप्स हैं जिसमें वेरी फर्स्ट इज ओवर सो ओवर क्या है लेट्स सी ओवरड्राफ्ट इज अ क्रेडिट फैसिलिटी ग्रांटेड बाय अ बैंक टू करंट अकाउंट होल्डर्स सो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को ही प्रोवाइड की जाती है बैंक की तरफ से और अंडर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी द बैंक अलाउज इट्स कस्टमर टू ड्रॉ इन अमाउंट अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट दैट इज टू विद्रॉ मोर देन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस इन हिज करंट अकाउंट सो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज में बैंक अपने कस्टमर्स को अलाउ करती है कि वो ओवर अमाउंट जो है वो विदड्रॉ कर सकते हैं दैट इज जितना बैलेंस है उनके अकाउंट में उससे ज्यादा वो पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं बट अप टू अ अर्टन लिमिट और दैट इज एक लिमिट जो है वो पहले से सेट किया हुआ है उतने लिमिट तलक कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो अमाउंट विड्रॉ कर सकता है द कोलेट्रल सिक्योरिटीज यूजली एक्सेप्टेड फॉर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज आर शेयर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एफ डी आर्स एल आई सी पॉलिसीज एक्सेट्रा अब को सिक्योरिटीज़ क्या हो सकता है दैट इज़ ओवर फैसिलिटी मतलब ये भी एक तरीके का लोन ही है right? है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बट है तो लोन तो उसके अगेंस्ट में अगर कुछ रखना होगा एज अ सिक्योरिटी मतलब नॉट करने के लिए कुछ रखना होगा कुछ गिरवी रखना होगा तो हम क्या रख सकते हैं एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो ले सकते हैं तो शेयर्स रख सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एफ डी आर डेट इज़ फिक्स डिपोजिट रिसिप्ट वो रख सकते हैं एल आई सी पॉलिसी जो है वो रख सकते हैं और उसके अगेंस्ट में हम ओवर फैसिलिटीज जो है वो बैंक से ले सकते हैं और राइट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय कमर्शियल बैंक फॉर ओवरड्राफ्ट इज़ लो और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के ऊपर वो काफ़ी कम होता है दैट इज़ एज कम्पेयर टू लोन्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है और राइट नेक्स्ट इज़ कैश क्रेडिट अब कैश क्रेडिट क्या है लेट्स सी सेपरेट कैश क्रेडिट अकाउंट इज टू बी ओपन टू अवेल दिस फैसिलिटी सो कैश क्रेडिट फैसिलिटी लेने के लिए अलग से कैश अकाउंट जो है वो ओपन करना पड़ेगा बैंक के पास जाकर सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड टू अवेल दिस फैसिलिटीज तो हमें कौन सी पर्टिकुलर चीजें एज अ सिक्योरिटी रखनी पड़ेंगी बैंक के पास कैश क्रेडिटि है ये फैसिलिटी लेने के लिए रॉ मटेरियल फिश गुड्स का अगर स्टॉक होगा दैट इज बिकॉज ये भी क्या एक टाइप का लोन है तो अगर रॉ मटेरियल होगा फिनिश गुड्स मतलब फैक्ट्री में जो फाइनल गुड्स बन जाते हैं उसका स्टॉक अगर पड़ा होगा तो हम कैश क्रेडिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैश क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो है वो ले सकते हैं अंडर कैश क्रेडिट फैसिलिटी और बैंक अलाउज दी बॉल टू विदड्रॉ अमाउंट अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट और कैश क्रेडिट के अंदर क्या होगा बैंक अपने कस्टमर को अलाउ करती है कि एक स्पेसिफिक लिमिट तलग तो वो अमाउंट विद्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक लिमिट जो है वो सैंक्शन किया जाता है और उतने लिमिट तक बोरोवर पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल हैं जिसने कैश क्रेडिट के लिए अप्लाई किया है उतने अमाउंट तक वो पैसे विदड्रॉ कर सकता है अकाउंट से और राइट इट इज़ अ सेपरेट अकाउंट वेयर बैंक क्रेडिट्स दी सैंक्शन अमाउंट तो कैश क्रेडिट के लिए अलग से एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है बैंक में और जितना अमाउंट बोला है बैंक उतना अमाउंट अकाउंट के अंदर सैंक्शन कर देती है ट्रांसफ़र कर देती है द बारोवर कैन विदड्रॉ दी अमाउंट एज एंड वेन ही नीड्स और जो बोरोवर है जिसने बैंक में कैश क्रेडिट के लिए अप्लाई किया है तो अमाउंट जो है बैंक के अकाउंट में बैंक जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है तो जितना भी पैसा चाहिए होगा और जब चाहिए होगा हम जरूरत के हिसाब से उतने पैसे निकाल सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना अमाउंट है एक साथ में सारे पैसे निकाल कर यूज करने हैं जब भी जरूरत पड़ेगी जितना भी अमाउंट चाहिए उतना पैसा हम निकाल कर यूज़ कर सकते हैं और राइट इंटरेस्ट इज़ चार्ज ऑन दी अमाउंट एक्चुअली विद ड्रॉन और इंटरेस्ट चार्ज किसके ऊपर होगा जितना पैसा हमने अकाउंट से निकाला है सिर्फ उतने ही अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा और राइट दैट इज़ अगर कैश क्रेडिट अकाउंट हमने ओपन किया है और बैंक ने फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ बैंक से हमने बोला कि हमें इतना पैसा चाहिए तो बैंक ने फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ जो है अकाउंट में डाल दिया और हमें सिर्फ टेन थाउजेंड की ज़रूरत पड़ती है तो टेन थाउजेंड हमने पैसा निकाला है तो सिर्फ टेन थाउजेंड के ऊपर ही इंटरेस्ट चार्ज होगा और राइट सो ये था कैश क्रेडिट नेक्स्ट इज़ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स पहले समझ लेते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है फिर हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल समझेंगे ऑलरेट लेट्स सी बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑरेंज कलर के बॉक्स में यहाँ गिवन है इट्स अ रिटर्न अनकंडीशनल ऑर्डर बाय सेलर टू द सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन अ फ्यूचर फिक्स डेट फॉर पेमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड तो क्या है एक्सचेंज ये एक तरीके का लेटर होता राइट दैट इज जब भी हम सामान खरीदते बेचते हैं तो दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं सेलर जो सामान बेचती है बायर जो सामान खरीदता है और राइट तो सेलर क्या करेगी एक लेटर लिखेगी जब भी सेलर बायर को सामान उधार पे देती है क्रेडिट पे देती है तो सेलर क्या करते हैं एक लेटर जो है वो लिखते हैं उस लेटर के अंदर क्या लिखा होता है कि फ्यूचर फिक्स डेट के ऊपर आप मुझे इतना पर्टिकुलर जो अमाउंट है जिसका आपने सामान खरीदा है उतने डेट पे आप मुझे उसका पेमेंट कर दोगे अब बायर क्या करेगा उसके ऊपर सिग्नेचर भी कर देगा और right. तो अब ये होता है बिल्स ऑफ़ एक्सचेंज अब इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक्चुअली यूज़ क्या है लेट्स से डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स

तो बैंक हमें तुरंत पैसे दे देगी बट डिस्काउंट करके देगी मतलब बैंक का जितना भी चार्जेस होगा जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो कट करके बैंक हमें पैसे तुरंत दे देगी तो बैंक क्या कर रही है हमें फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कर रही है मतलब पैसे से रिलेटेड बैंक हमें हेल्प कर रही है ड्यू डेट पे बिल मिलने वाला है मतलब बिल अभी तक मेच्योर नहीं हुआ है बाद में हमें पैसे मिलने वाले हैं मगर हमें पैसे अभी चाहिए तो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक में जाकर दे दिया और बैंक ने डेट के पहले ही हमें पैसे दे दिए तो बैंक अपना इंटरेस्ट वगैरह तो चार्ज करेगी और राइट right, तो वो सारे इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो माइनस करके डिडक्ट करके बैंक हमें तुरंत पैसे दे देगी तो इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स और राइट तो ये भी एक तरीके का लोन होता है और राइट सो यहाँ पे जो पूरा पार्ट था लोन्स का वो कंप्लीट हुआ दैट इज़ प्राइमरी फंक्शंस जो थे हमारे वो कंप्लीट हो गए जिसमें हमने लैंडिंग फंड्स जो था दैट इज लोन्स एडवांसेस कैश क्रेडिट एंड डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स हमने ये पूरा पार्ट जो है वो कवर किया सो आई होप आपको ये पूरा जो पार्ट था वो समझ में आया होगा नेक्स्ट इज सेकेंडरी फंक्शंस तो आप कमर्शियल बैंक का जो सेकेंड पार्ट था सेकेंडरी फंक्शन देख लेते हैं क्या है द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ अ बैंक कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट अब सेकेंडरी फंक्शंस जो है वो भी अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है लेट्स वेरी फर्स्ट इज एजेंसी फंक्शन तो इसमें एजेंसी फंक्शन क्या है बैंक परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ दियर कस्टमर्स और अकाउंट होल्डर्स सजाज तो बैंक क्या है एज अ एजेंट जो है वो काम कर रही है बिकॉज बैंक अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे काम कर रही है अकाउंट होल्डर्स के बिहाफ पे काम कर रही है एज ए एजेंट इसके लिए बैंक को एजेंसी फंक्शन भी कहा गया है लेट्स सी बैंक क्या क्या काम करती है अपने कस्टमर्स या अकाउंट होल्डर की बिहाफ पे वेरी फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड बिल्स अगर कहीं से चेक या बिल कलेक्ट करना है तो बैंक कलेक्ट कर लेगी अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे देन कलेक्शन ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट एंड सैलरी सैलरी डायरेक्टली क्या हो जाती है बैंक के अंदर डिपॉजिट हो जाती है और इंटरेस्ट डिविडेंड जो है बैंक कलेक्ट कर लेती है अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे देन पेमेंट ऑफ रेंट इंश्योरेंस प्रीमियम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एक्सेट्रा तो अगर हमने बोला होगा बैंकों की इतने पर्टिकुलर डेट पे मेरा जो रेंट है आप वो पे कर दो तो बैंक क्या करेगी उतने फिक्स पर्टिकुलर डेट पे रेंट जो है वो पे कर देगी मतलब उतना अमाउंट बैंक के अकाउंट से माइनस हो जाएगा वैसे ही इंश्योरेंस प्रीमियम और इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी अमाउंट क्या होगा डिडक्ट होते जाएगा और राइट देन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ बैंक सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स जो होते हैं वो भी सेल परचेज करेगी अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे देन रेमिटेंस ऑफ मनी दैट इज ट्रांसफर ऑफ मनी कर सकती है बैंक देन फुलफिल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ़ द डिपॉजिटर्स डिपॉजिटर्स जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो इंस्ट्रक्शन को फुलफिल करने का काम बैंक करेगी देन एक्ट एज अ ट्रस्टी एग्जीक्यूटर्स ऑफ विल एंड अटोनिटी दैट इज बैंक क्या करेगी एज अ ट्रस्टी काम कर रही है देन बैंक एक्ट एज अ बैंकर टू द इशू लीड बैंक एक्सेट्रा फॉर कंपनीज तो कंपनीज के लिए बैंक एज अ बैंकर का काम कर का का रही है लीड मैनेजर का काम कर का रही है मतलब बैंक क्या कर रही है एज अ एजेंट बहुत सारे काम करती हैं बहुत सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं ऑन बिहाफ ऑफ दी कस्टमर्स मतलब कभी कभी कस्टमर्स को अब बिजनेस मैं यहाँ पे कंपनीज है तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है और राइट right, कि वो खुद जाकर ये सारे काम करें तो कस्टमर्स के बिहाफ पे दैट दाइट कंपनीज के बिजनेस मैं बिहाफ पे ये सारे के सारे जो काम है ये बैंक करती है और राइट right, और इसके बदले में बैंक कुछ फीस जो है वो चार्ज करती है और राइट नेक्स्ट इज़ यूटिलिटी फंक्शंस अब यूटिलिटी फंक्शंस क्या है लेट्स सी द कमर्शियल बैंक आल्सो प्रोवाइड फॉलोइंग जनरल यूटिलिटी सर्विसेज एज वॉल कमर्शियल बैंक्स अपने कस्टमर्स को बहुत सारी जनरल यूटिलिटी सर्विसेज जो हैं वो भी ऑफर करती हैं लेट्स जिसमें वेरी फर्स्ट इज सेफ डिपॉजिट वॉल्स लॉकर फैसिलिटी तो लॉकर फैसिलिटी एकदम कॉमन फैसिलिटी है सर्विस uh, है जो कि बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है देन लेटर ऑफ क्रेडिट ये भी एक तरीके की सर्विस है यूटिलिटी सर्विस जो कि बैंक प्रोवाइड करती है यूजुअली लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो बैंक की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है देन डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज दैट इज फॉरेन एक्सचेंज में जब भी हम डील करते हैं तो बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो कि बैंक्स प्रोवाइड करती हैं देन ए कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स डेबिट कार्ड्स ये एकदम कॉमन फैसिलिटीज़ हैं जो कि बैंक प्रोवाइड करती हैं और राइट देन फाइनेंशियल पोजिशन स्टेटस रिपोर्ट दट इज फाइनेंशियल पोजिशन का जो स्टेटस रिपोर्ट अगर चाहिए होगा तो वो भी बैंक प्रोवाइड करेगी देन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज दैट इज शेयर्स जो हैं उसका बाय सेल करना होगा तो बैंक जो हैं वो सिक्योरिटीज़ का भी बाइंग एंड सेलिंग कर देगी कस्टमर के बिहार पर दे ट्रेवल्स चेक्स जो है वो बैंक कर इशू करती है देन आर टी जी एस डेट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एन ई एफ टी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर दैन नैशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस दट इज़ nach ए सी एच एंड ई सी एस दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसज ये सारी चीज़ें क्या हैं ये ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करने के लिए मोस्टली यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स हैं और राइट अगर मनी ट्रांसफ़र करना है ऑनलाइन तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये यूज़ होती हैं और राइट जो इसके बारे में डिटेल में आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में वैसे भी स्टडी करोगे ही सजस्ट so, देख लेते हैं एक एक बार बस एक बार यहाँ पे दिया है तो पॉइंट्स आप एक बार देख लेना कि कौन कौन से सर्विसेज जो हैं वो बैंक प्रोवाइड करती हैं और राइट नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या है प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विद बैंक्स तो अब सेक्रेटरी को किन किन बातों का ध्यान रखना होता है किन किन बातों का प्रिकॉशन लेना होता है जब वो बैंक्स के साथ में करस्पॉन्डेंस करती है कम्युनिकेट करती है तो सेक्रेटरी को कौन सी कौन कौनसी चीजों के बारे में ध्यान रखना होता है लेट्स सी द फॉलोइंग प्रिकॉशन बी टेकन बाय द सेक्रेटरी वाइल करस्पोंडिंग बैंक्स जब सेक्रेटरी बैंक्स के साथ में करस्पोंडेंस करती है कम्युनिकेट करती है तो किन बातों का सेक्रेटरी को ध्यान रखना होता है तो यहाँ से ही हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है इसके पहले हमने जो भी टॉपिक स्टडी किया वो सारे बैंक्स के बारे में थे मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन था अब यहाँ पे है कि सेक्रेटरी को किन किन बातों का ध्यान रखना होता है जो जब सेक्रेटरी बैंक्स के साथ में कम्युनिकेट करती है करस्पॉन्डेंस करती है लेट्स सी वेरी फर्स्ट इज यहाँ पे पॉइंट्स गिवन एक एक करके देख लेते हैं वेरी फर्स्ट इज प्रॉम्प्ट रिप्लाई In any correspondence, prompt reply is very important. The reply to the bank are to be sent without any delay. सो प्रॉम्प्ट रिप्लाई का मतलब होता है क्विक रिप्लाई अगर बैंक की तरफ से कोई भी पर्टिकुलर चीज़ें पूछी जाती हैं तो सेक्रेटरी को उसका आंसर देना पड़ता है और सेक्रेटरी तुरंत बिना किसी देरी किए रिप्लाई उसका देना जरूरी है और डिले नहीं होना चाहिए रिप्लाई एकदम क्विक होना चाहिए नेक्स्ट इज ब्रीविटी एंड कंसाइजनेस तो ये क्या है ब्रीविटी एंड कंसाइजनेस मतलब ब्रीफ एंड टू द पॉइंट करस्पॉन्डेंस विद द बैंक मस्ट बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट अ लेटर शुड नॉट बी लेंदी अननेसेसरी डिटेल्स शुड बी अवॉइडेड तो जब भी सेक्रेटरी बैंक के साथ में करस्पोंडेंस करती है कम्युनिकेट करती है लेटर्स के द्वारा तो लेटर जो है वो ब्रीफ में होना चाहिए मतलब शॉर्ट में होना चाहिए एंड टू द पॉइंट जितना इंफॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट जो है वो लेटर के अंदर होना चाहिए लेटर एकदम लेंदी नहीं होना चाहिए अननेसेसरी इंफॉर्मेश या डिटेल्स जो है वो लेटर के अंदर नहीं होने चाहिए और लेटर एकदम शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होना चाहिए नेक्स्ट इज कर्टसी अब कर्टसी के द लेटर टू द बैंक शुड बी पोलाइट सेक्रेटरी शुड नॉट यूज एनी हार्श और रूड वर्ड्स वाइल करस्पॉन्डिंग विद द बैंकर्स तो जब सेक्रेटरी बैंक के साथ में कम्युनिकेट करती हैं लेटर्स के थ्रू तो ऑब्वियसली जो लैंग्वेज होती है लेटर में वो एकदम पोलाइट होनी चाहिए लेटर के अंदर कोई हार्श या फिर रूड वर्ड्स जो हैं वो यूज़ नहीं होना चाहिए बिकॉज इससे क्या होगा इम्प्रेशन खराब पड़ेगा तो सेक्रेटरी को कंपनी का जो इमेज रेप्यूटेशन है उसका भी ध्यान रखना होता है बहुत जरूरी है जब भी हम किसी के साथ में कम्युनिकेट करते हैं लेटर्स लिखते हैं तो वर्ड्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हार्श वर्ड इम प्रॉपर वर्ड्स का यूज़ नहीं करना होता है जब भी हम किसी के साथ में कम्युनिकेट करते हैं करस्पॉन्डेंस करते हैं और राइट नेक्स्ट इज क्लियरिटी क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड मिसअर्डरस्टैंडिंग विद द द सेक्रेटरी मस्ट प्रोवाइड ट्रू फैक्चुअल अन अपडेटेड एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज ऑर्गेनाइजेशन टू द बैंकर्स सो so, क्लियरिटी का मतलब होता है क्लियर और राइट तो क्लियरिटी जो है वो हमेशा हमें मेंटेन करके रखनी है जब भी हम लेटर लिखते हैं तो और राइट और सेक्रेटरी को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो इस टाइप के वर्ड्स या इस टाइप के स्टेटमेंट्स जो हैं वो लेटर के अंदर यूज़ ना करें और राइट सो मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा अवॉइड करनी है लेटर हमेशा क्लियर रखना है जो भी सेक्रेटरी इन्फॉमेसन प्रोवाइड करती हैं बैंक्स को वो ट्रू होना चाहिए फैक्चुअल इंफॉमेशन होना चाहिए मतलब एकदम फैक्ट होना चाहिए अपडेटेड इंफॉमेसन होनी चाहिए एंड एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो इस टाइप का इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करना है स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं करना है और फॉल्स इंफॉर्मेशन या तो फिर आउटडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी है ऑलराइट राइट right. जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है सेक्रेटरी बैंक्स को वो हमेशा ट्रू फैक्चुअल अपडेटेड एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ऑलराइट नेक्स्ट इज अक्यूरेसी अक्यूरेसी का मतलब होता है करेक्ट तो सेक्रेटरी शुड प्रोवाइड अक्यूरेट इंफॉर्मेशन द फैक्ट एंड फिगर इन द बैंक करेस्पॉन्डेंट मस्ट बी अक्यूरेट तो सेक्रेटरी जब भी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, वो एकदम करेक्ट होना चाहिए जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंशन किए गए हैं लेटर्स के अंदर वो एकदम करेक्ट होने चाहिए उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए और राइट right. नेक्स्ट इज सीक्रेसी द सेक्रेटरी मस्ट कीप सीक्रेसी वायल करस्पॉन्डिंग विद द बैंक्स एंड नॉट डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल मैटर्स टू द कंपनी तो सेक्रेटरी जब भी करस्पॉन्डेंस करती है दैट इज बैंकर्स के साथ में बैंक्स के साथ में जब भी कम्युनिकेट करती हैं थ्रू लेटर्स तो हमेशा सेक्रेटरी को इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी कॉन्फिडेंशल इन्फॉर्मेशन जो है वो सेक्रेटरी बैंकस को डिस्कलोज नहीं कर रही हैं बिकॉज कंपनी के बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल होते हैं और वो किसी और को डिस्क्लोज नहीं किए जाने चाहिए तो ऐसे कॉन्फिडेंशियल मैटर्स जो हैं वो सेक्रेटरी कंपनी के बारे में बैंक्स को भी डिस्कलोज नहीं कर सकती तो इस बात का ध्यान रखना है कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो कंपनी तक रहे बैंक्स को डिस्क्लोज ना हो और राइट नेक्स्ट इज लीगल प्रोसीजर्स जो भी लीगल प्रोसीजर्स है उसका भी सेक्रेटरी को ध्यान करना ध्यान रखना है कि सारे के सारे लीगल प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो हों फुलफिल हो द सेक्रेटरी मस्ट कीप इन माइंड लीगैलिटी ऑफ़ द कंटेंट इन करस्पोंडेंस विद द बैंक तो सेक्रेटरी जो है उसे हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें हैं जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं जब भी हम बैंक्स के साथ में करस्पॉन्डेंस करते हैं कम्युनिकेट करते हैं तो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो पूरी होनी चाहिए वाइज करस्पॉन्डेंस करस्पॉन्डिंग विद द बैंक और इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसिस सेक्रेटरी शुड इंक्लोज नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द लेटर तो जब भी बैंक्स के साथ में करस्पॉन्डेंस करते हैं कम्युनिकेट करते हैं चाहे जो भी सर्कमस्टेंसेस हो जो भी सिचुएशंस uh, हो सेक्रेटरी को हमेशा जो भी डॉक्यूमेंट है जितनी भी चीज़ें हैं वो हमेशा लेटर्स के साथ में एनक्लोज करनी है लेटर्स के साथ में बैंक्स को सेंड करनी है और लाइट right. मतलब जितनी भी लीगल प्रोसीजर्स हैं लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो हमेशा फुलफिल करनी होती है सेक्रेटरी को कोई भी लीगल प्रोसीजर्स को सेक्रेटरी अवॉइड नहीं कर सकती और राइट सो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो हमेशा सेक्रेटरी को ध्यान में रखने हैं जब भी सेक्रेटरी बैंक के साथ में करस्पोंडेंस करती है कम्युनिकेट करती है और राइट सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सर्कमस्टसिस अंडर विच अ सेक्रेटरी हैज़ टू एंटर इंटू करेस्पॉन्डेंस विद द बैंक्स सो यहाँ से लेटर्स का पार्ट चालू होगा सो so, ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवरअप कर लेंगे और राइट right. सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा इस वीडियो में हमने प्राइमरी फंक्शन का जो लैंडिंग का जो पार्ट था दैट इज लैंड फंड्स इसके एडवांसेस कैश क्रेडिट एंड बिज ऑफ एक्सचेंज का हमने टॉपिक कवरअप किया देन हमने यूटिलिटी फंक्शन एंड एजेंसी फंक्शन दैट इज सेकेंडरी फंक्शन जो था कमर्शियल बैंक का हमने वो कवरअप किया एंड सेक्रेटरी को कौन कौन सी बातों का किन किन बातों का ध्यान रखना होता है जब वो बैंक के साथ में कम्युनिकेट करती है करस्पॉन्डेंस करती है तो पॉइंट्स एंड प्रिकॉशंस टू भी टेकन बाय द सेक्रेटरी वाल कम्युनिकेटिंग विद दी बैंक हमने ये सारे पॉइंट्स भी कवर अप किए सो आई होप आपको पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा सो so, नेक्स्ट जो है लेटर्स का टॉपिक ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे ऑल सो थैंक यू फॉर अर टाइम